दोस्तों आप देख रहे हैं टोनी मिनाटी चैनल एंड आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपने स्मार्टफोन में एक मल्टी टैब्स विंडोज़ चलाना चाहते हैं बट सारी वीडियो यूट्यूब पे देख देख के थक चुके हैं और उन्हें कुछ भी ऐसे नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से वो एक विंडो चला सके अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आप भी जानते हैं कि एक विंडो काफ़ी बड़ी होती है तो वो एक स्मार्टफोन में तो नहीं चल सकती। तो दोस्तों जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि इसमें ये प्रोफाइल डाउनलोड कर लो और ये डाउनलोड कर लो तो आपके स्मार्टफोन में विंडोज़ रन होगी, तो दोस्तों वो पूरी फेक वीडियो होती है। बट इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन लेके आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें दोस्तों एक ये विंडोज़ तो नहीं है बट विंडोज़ की तरह ही वर्क करती है। आप इसमें मल्टी फंक्शन से एक साथ यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एंड और भी दूसरी ऐप्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं और दिखने में भी ये विंडोज़ की तरह ही होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। देन उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा LEENA लीना डेस्कटॉप। आप तीसरे नंबर पे भी देख सकते हैं लीना डेस्कटॉप UI करके एक आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका लीना डेस्कटॉप आ जाएगा। मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा UI है, एकदम डेस्कटॉप की तरह है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की प्रोफाइल आपके सामने लेकर आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटा दिख रहा है बहुत, तो इसमें काफ़ी सेटिंग्स है, आप इसको इसकी सेटिंग से बड़ा भी कर सकते हैं। इसके फॉन्ट्स आप बड़े कर सकते हैं, मीडियम साइज़ के कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स दे रखी हैं यहाँ पे, तो आप इन सेटिंग से अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें आप ब्राउज़ कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि मैंने गूगल खोला तो गूगल में चला सकता हूँ, अलग से इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये देखिए मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं अपनी फ़ाइल मैनेजर खोल सकता हूँ, ये देखिए फाइल मैनेजर चला सकता हूँ, अपनी सारी प्रोफाइल देख सकता हूँ, एकदम विंडोज़ की तरह वर्क करता है ये, आप देख सकते हैं। यूट्यूब चला सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करते हैं अपनी वीडियो, सर्च करते हैं, चलिए दोबारा खोलते हैं यूट्यूब। चलिए इसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई सी भी वीडियोस लगा के आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें आपको। आप इसमें फेसबुक चला सकते हैं साथ के साथ, अगर आपको आप फेसबुक चलाना चाहते हैं आप साथ के साथ चला सकते हैं, ये देखिए फेसबुक चला सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो तीन डॉट आ रहे हैं नीचे आप इससे इन्हें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए फेसबुक को चला आप इन्हें जहाँ मर्जी स्क्रॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड आप अदर ऐप्स भी चला सकते हैं अपने स्मार्टफोन की, ये देखिए इसमें आपको होम खुल जाएगा पूरा होम और ये सारी आपकी ऐप्स जो भी है सब इसके अंदर आ जाएगी। आप अपनी ऐप्स को बड़ी आसानी से इसमें रन कर सकते हैं, ये देखिए जो उनसे ऐप चाहते हैं आप इसमें चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपको बताना, इसमें आप इन्हें छोटा फुल साइज़ स्क्रीन में भी कर सकते हैं, जो दो एरो दिख रहे हैं साइड में आप इन्हें प्रेस करके फुल साइड स्क्रीन में कर सकते हैं। एंड इन पेजेस को हटाने के लिए आप इन क्रॉस को दबाएंगे तो ये पेजेस हट जाएंगे यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह है, कोई इशू नहीं है इसे यूज़ करने में, बहुत ही बढ़िया चलता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिले।